नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एमपी और मैं हूं सचिंद्र मिश्र। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की पांच बड़ी खबरों के साथ। नगर पालिका परिषद सीधी में आज लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम ने रिश्वतखोर आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में सह दोषियों की अभी तलाश जारी है। बता दें कि नगर पालिका परिषद सीधी में पदस्थ राजस्व इंस्पेक्टर रामसिया साकेत द्वारा शिकायतकर्ता सुशील प्रजापति से जमीनी दस्तावेज के मामले में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। 2,000 एडवांस लिए जाने के बाद आज लोकायुक्त रीवा की टीम ने 3,000 रुपये रगे हाथों लेते हुए पकड़ा है। पूरे मामले में जांच अभी जारी है। उधर शिव मंदिर पढ़ौरा में श्रावण मास के अंतिम एवं चौथे सोमवार को लेकर दूर दराज से आए शिव भक्तों ने आज सुबह 4 बजे भोर से भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। एक अनुमान के मुताबिक करीब 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पढ़ौरा शिव मंदिर में पहुँच कर जलाभिषेक कर माथा टेका है। पढ़ौरा शिव मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अथवा चोरियों की जानकारी नहीं हासिल हुई है। शिव मंदिर प्रांगण में नारियल एवं चुनरी की सजी दुकानों में जमकर नारियल चुनरी की भक्तों ने खरीदी की। वहीं प्रांगण में सजी दुकानों में जमकर हुई खरीदारी से व्यापारियों के चेहरों में खुशी की लालिमा छाई रही। पढ़ौरा शिव मंदिर के आधा किलोमीटर पहले से ही 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के प्रवेश में पुलिस द्वारा पाबंदी लगा गई थी। यही कारण है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था का आलम नहीं देखा गया। उधर सीधी जिले में घर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत आज जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से कलेक्टर एमआर खान द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया है, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं साथ ही कलेक्टर के द्वारा चलित विक्रय केंद्र से तिरंगा झंडा खरीदकर लोगों से अपील की गई कि स्वयं भी राष्ट्रीय ध्वज को खरीदें और 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों में शांति के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। सावन के अंतिम सोमवार पर आज सीधी जिले के युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन स्थानीय शिवपुरवा मसरहा से होते हुए बढ़ौरा धाम तक के लिए रवाना किया गया। यह पदयात्रा कई प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी है, जिसमें कई पड़ाव शामिल हैं, जैसे शिवपुरवा मसरहा, मुगुल चौराहा, झुलनाहबा, गनौवा मंदिर, दिव्यत राग, कुचवाही, जोगीपुर, तोरण द्वार, हॉस्पिटल चौक, तोरण द्वार, टोल प्लाजा होते हुए बढ़ौरा मंदिर में समाप्त हुई। यात्रा में बढ़ चढ़ कर युवाओं ने हिस्सेदारी ली है। जो भी है खाली जो 3 कांवड़ यात्रा मेन संकल्पी हैं उनको आगे रखें, उनके पीछे सब कोई चले, तो इस कांवड़ यात्रा का शोभा बहुत ही अद्भुत है और हो जाएगा और भी शोभा रहेगी। व्यवस्था को जितना हम बनाएंगे उतना ही लोगों के। उधर सीधी जिले के बहरी में आज आन बान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा निकालकर ग्रामीण जनों को जागरूकता का संदेश दिया गया है। पुलिस कप्तान मुकेश श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना प्रभारी पवन सिंह द्वारा निकाला गया तिरंगा मार्च वाकई देशभक्ति से ओतप्रोत रहा है। इस मौके पर क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, किसान, मजदूर, छात्र छात्राएं साक्षी रहे हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए आप ही न्यूज एमपी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सुविधा युक्त मैरिज गार्डन नौढ़िया में सीधी शहर से समीप बीआरएस पैलेस नौढ़िया आधुनिक सुविधाओं से है परिपूर्ण। संजय गांधी कॉलेज सीधी से मधुरी मार्ग गोदाम से पूर्व ट्राइबल हॉस्टल के समीप संचालित है मैरिज गार्डन नौढ़िया। मैरिज गार्डन नौढ़िया सर्व सुविधा युक्त मैरिज गार्डन नौढ़िया में सीधी शहर से समीप बीआरएस पैलेस नौढ़िया आधुनिक सुविधाओं से है परिपूर्ण। जी हाँ, शहर से सुंदर और सस्ता यहाँ पर शादी, तिलक, सालगिरह, बर्थडे पार्टी, मीटिंग सहित सभी शुभ उत्सव हित संपर्क करें। अनंत पाली क्लिनिक, अनंत पाली क्लिनिक सीधी में हर रविवार को योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज। MBBS डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर आशीष घनघोरिया हर रविवार और डॉक्टर MK महेश्वरी हर माह के अंतिम गुरुवार को सीधी के अनंत पाली क्लिनिक में देंगे परामर्श और करेंगे समुचित उपचार। अधिक जानकारी के लिए LIC ऑफिस के सामने कलेक्ट्रेट रोड स्थित अनंत मेडिकल स्टोर से संपर्क करें और पाएं विभिन्न बीमारियों से निजात।